और अनुष्का के बैक टू बैक लगातार शो स्टार्ट हो चुके हैं। कल ये सुरीनाम से शो निपटाने के बाद आज ट्रिनिदाद पहुंच चुके हैं। ट्रिनिदाद से पवन अनुष्का की जो पिक्चर्स वीडियो सामने आ रही हैं उसने सभी की हवाएं उड़ा दी हैं, क्योंकि पवन अनुष्का अब और ज्यादा अपने रिश्ते को छुपा नहीं सकते हैं। अब तो एयरपोर्ट पर इन्हें जिन हालातों में देखा गया वो देखकर आप भी इन्हें बिना कहे रह नहीं पाएंगे। तो जैसे ही ट्रिनिदाद एयरपोर्ट पर पहुंचे इन सभी ने अपने नेक्स्ट शो की जानकारी दी। पवन अनुष्का के साथ साथ शायरी दानिश भी मौजूद है और ये सब बताते हैं कि वो ट्रिनिदाद पहुंच चुके हैं और आज रात इनके शो के लिए आप सब भी तैयार हो जाएं। आज रात ये सभी का खूब एंटरटेनमेंट करने वाले हैं। पवन अनुष्का सभी लोग ये जानकारी देते हैं। पवन अनुष्का एयरपोर्ट से निकलते दिखाई दे रहे हैं। दोनों बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनके साथ वाले लोग यानी दानिशाली और टीम के लोग बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और ये दोनों पीछे रह जाते हैं। ना जाने ये दोनों ऐसी क्या बातें करते हैं कि ये दोनों पीछे रह जाते हैं, इन्हें एयरपोर्ट से निकलने में देर हो जाती है। पवन अनुष्का की जल्दबाजी वाली वीडियो को गौर से देखिए। पवन अपना बैग तो पकड़े ही होते हैं, साथ ही वो अरुणिता का बैग भी पकड़े होते हैं और अरुणिता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देते हैं। अरुणिता आगे आगे चल रही और पवन पीछे पीछे उनका और अपना बैग लेकर निकलते हैं। तभी कुछ लोग उन्हें छेड़ देते हैं, उनका मजाक भी बनाते हैं। कुछ लोग तो हंसी मजाक में गाना भी गाते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, जानिए तो पवन अनुष्का के लिए कौन सा गाना गाया जा रहा है। पवन ने जब अनुष्का का बैग पकड़ा तो उनके लिए गाना गाया जा रहा है मैं तो जोरू का गुलाम। और जब उनसे ये सब बातें कही जा रही थी तो पवन अनुष्का दोनों शर्मा जाते हैं और अरुणिता पवन के पास जाकर अपने बैग को ले लेती हैं, जबकि पवनदीप स्माइल के साथ बात को टाल देते हैं। मतलब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे कोई कुछ भी कहता रहा है। अरुणिता भी अपने और पवन की बात को बुरा नहीं मानती है। तो आपको पवन अनुष्का का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं पवन अनुष्का के बारे में जो कुछ ये बोला जाता है क्या ये सही बात है। सुरीनाम में परफॉर्मेंस के दौरान पवन अरुणिता के साथ वो हो गया जिसकी आपको भी उम्मीद नहीं होगी। सुरीनाम में कल इनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस हुई। सुरीनाम पहुंचने से पहले इन्हें हैरान कर देने वाला नजारा भी देखने को मिला था। जिस तरह से ट्रैफिक सिग्नल्स पर शो के पोस्टर लगे देखे थे और फिर शो के लिए जागरूकता अभियान भी खास तरह से चलाया गया था, क्या अब सुरीनाम में कुछ और भी नया देखने को मिला। जी हाँ, सुरीनाम में पवन अरुणिता कल मंच पर धमाकेदार परफॉर्मेंस देते नजर आए। एक से एक बेहतरीन गाने गाकर जनता का दिल ही खुश कर दिया। खास बात यह कि इन्हें देखने के लिए काफी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। काफी बड़े मैदान में इनके शो का अरेंजमेंट किया गया था। पवन अरुणिता कई गाने गा चुके थे कि तभी मौसम खराब होने लगा और फिर न केवल तेज हवा चली बल्कि तेज बारिश भी होने लगी और उस बारिश में पवन अरुणिता और इनके फैन मगन दिखाई दिए। हैरानी की बात तो यही है कि ऑडियंस भागी नहीं, वो बारिश में भी इनका शो देखती नजर आई। सुरीनाम में पवन अरुणिता का बारिश में शो देख रही ऑडियंस की एक प्यारी सी झलक आपको भी दिखाते हैं जो आपका भी दिल खुश कर देगी। ये वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और हर तरह पवन अरुणिता की तारीफ हो रही है। किस तरह से लोग पवन अरुणिता के लिए इकट्ठा हुए और बारिश में भीगते हुए शो देखने पहुंचे वो वाकई कमाल की बात है। और इससे ये भी साबित होता है कि पवन अरुणिता के फैंस पवन अरुणिता के लिए हर मुसीबत में खड़े होते हैं। और फिर जब पवन अरुणिता ने देखा कि लोगों की भीड़ बारिश में बढ़ती ही जा रही है तो वो भी मंच से हटे नहीं और एक से एक जबरदस्त गाने गाकर मौसम और रंगीन बना दिया। लोगों की भीड़ छाता लगाकर इनका शो देखती नजर आई। बारिश में भी मस्त दिखी ऑडियंस और पवन अरु। वीडियो में देख सकते हैं कि लोग रंग बिरंगे छाते पकड़कर शो देखने का आनंद ले रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप पवन अरुणिता के लिए क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुरीनामी से पवनदीप अरुणिता का लविंग वीडियो सामने आ गया जिसमें पवनदीप अरुणिता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और अब इन्हें किसी और की जरूरत भी नहीं है। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। एक बार फिर नई जगह और नई अंदाज में दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते दिखाई दिए। पवन अरुणिता का ये वीडियो देखकर फैंस बहुत खुश हो रहे हैं और सुबह सुबह इस वीडियो पर ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं। दरअसल पवन अरुणिता जब रात को साउंड चेक करने पहुंचे तो कमाल ही कर दिया। इनकी आवाज की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो तो बेमिसाल और स्पीचलेस है, लेकिन आज मंच पर इन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। जी हाँ, मंच पर जब इस तरह हैं तो सोचिए मंच के पीछे ये दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते होंगे और कितने एक दूसरे के क्लोज होंगे। आज मंच पर पवन अरुणिता जब साउंड चेक कर रहे थे तो पवन के गले में गिटार टंगा था और अरुणिता माइक पकड़कर गाना गा रही थी। अरुणिता गाना गाते गाते पवन के पास जाती है
और उन्हें माइक नहीं देती बल्कि उनके मुंह के पास माइक ले जाती हैं जिससे पवनदीप गाना गा सके। दूसरी बार में पवनदीप खुद अरुणिता के माइक के करीब आकर गाना गाते हैं और इस बीच दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते भी हैं। ना जाने पवन उनके करीब पहुंचकर उनके कान में ऐसा क्या कहते हैं कि अरुणिता खुशी से पागल हो जाती हैं और शर्माने लगती हैं। इतना ही नहीं शर्म के मारे अरुणिता पीछे की तरफ घूम जाती हैं। पवन भी उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। वेल पवन अरुणिता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको इनकी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज फिर अरुणिता ने पवनदीप की नई जैकेट पहनकर खुलकर पोज शेयर किए हैं। अरुणिता ने इस बार पवनदीप की व्हाइट वाली नई जैकेट पहनकर पोज दिया है। ये वही जैकेट है जिसे पहनकर पवनदीप ने टंपा में शो किया था और उस दौरान अरुणिता ने व्हाइट गरारा ड्रेस पहनी थी। इसी ड्रेस को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अरुणिता ने इस पर पवनदीप की व्हाइट जैकेट पहन ली थी और अपना शक निकाल दिया था। हालांकि किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि अरुणिता की इस ड्रेस का शक और पवनदीप की जैकेट का कलर एक जैसा ही है। लेकिन जब फोटो को गौर से जूम करके देखा गया तो वो अरुणिता का श्रग नहीं था बल्कि पवनदीप की जैकेट थी। पवनदीप की जैकेट की तरह अरुणिता ने अपनी इस ड्रेस पर नेट वाला श्रग पहना था लेकिन एक फोटो में श्रग नहीं दिखाई दे रहा है बल्कि पवनदीप की जैकेट है और अरुणिता इस फोटो को खुलकर शेयर कर रही हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि पवनदीप उनके कितने क्लोज हैं और आप जिसे जो कहना है वो कहता रहे, अरुणिता पवनदीप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप पवनदीप अरुणिता के लिए क्या कहना चाहेंगे कि अरुणिता ट्रोलर्स को ऐसे जवाब देकर ठीक कर रही हैं? तो फैंस पवनदीप नाश्ते के साथ अरुणिता को देखे जा रहे हैं। नाश्ते पर उनका ध्यान नहीं है, अरुणिता पर पूरा ध्यान है और अरुणिता अपने नाश्ते पर ध्यान दे रही हैं। अरुणिता प्लेट पकड़कर ब्रेकफास्ट करने में लगी हैं लेकिन न जाने अरुणिता के चेहरे पर ऐसा क्या लगा है कि पवनदीप उन्हें ही देखे जा रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। जैसे अरुणिता के चेहरे पर चटनी लगी हो। पवन हंस रहे हैं, बाकी लोग भी कैमरे की तरफ देखकर पोज दे रहे हैं लेकिन पवन अरुणिता को ही देखे जा रहे हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं कि पवनदीप क्या अरुणिता की प्लेट में ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं? क्या एक साथ ब्रेकफास्ट करने का इंतजार देख रहे हैं कि अरुणिता उन्हें ऑफर दें और पवनदीप फौरन इस ऑफर को स्वीकार कर लें? या फिर अरुणिता के चेहरे पर चटनी लगी है जिसे हटाने की कोशिश करें? फिर पवनदीप की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।